नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वेल्थ सुन फार्मेसी में, जहाँ पर हम सर्व करते हैं हैप्पीनेस। दोस्तों, आज हम एक प्रोडक्ट आपके लिए लेके आए हैं जिसका नाम आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है मेडिकेन जेल। ठीक है, तो इसके नाम में काफ़ी कुछ छुपा हुआ है, वो भी मैं आपको बताऊँगा। और ये मिंट फ्लेवर में आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये जो है मेडले कंपनी है, मेडले फार्मास्यूटिकल वो बनाती है। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो 124.25 रुपये का आपको ये आज 2022 में देखने के लिए मिल रहा है। इसकी एक्सपायरी आप देख पा रहे होंगे, ये सितंबर 2023 है, तो आपने जो है एक्सपायरी देख कर ही लेना है। स्टोरेज की बात करें तो आपको ये जो है 25 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखना होता है, और यूज़ होने के बाद में इसकी जो कैप है उसको आपने टाइटली बंद कर देना है। ये जो है जब भी आप लें तो इसको हिला करके लेना है आपने, क्योंकि इसमें जो साल्ट है वो नीचे बैठ जाता है, तो वो पूरी तरीके से आपकी हर जो आप डोज ले रहे हैं उसमें मिल जाए, इसलिए आपको ये पूरी तरीके से हिला करके लेना होता है। ये 200 ml की पैकिंग में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, और ये जो है शुगर फ्री है मेरे हाथ में, ये विद शुगर के साथ में भी आता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये एक एनेस्थेटिक एंटा एसिड जेल है। तो ये क्या करता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम इसकी जो है पूरी डिटेल देख लेते हैं। ये शेड्यूल एच प्रेस्क्रिप्शन है, देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। तो ये जब आपको एक मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है लिख कर देते हैं तभी आपको ये जो है मिलता है। जितनी डोज आपको बताई जाती है तो वही डोज आपने लेनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें जो है इसकी कंपोजिशन लिखी हुई है, जो कि हर एक 5 ml के अंदर आपको ये जो है ये तीन चीज़ें देखने के लिए मिल जाती है। तो इसमें ड्राइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल आपको देखने के लिए मिल जाता है 291 mg, जो कि इंडियन फार्माकोपिया के तहत बनाया जाता है। ये जो IP लिखा रहता है इसका मतलब है इंडियन फार्माकोपिया, यानी कि जो इंडिया के अंदर जो रूल रेगुलेशन है उसके अंदर। दूसरा है इसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो कि इंडियन फार्माकोपिया के तहत 98 mg आपको 5 ml के एक वॉल्यूम में देखने के लिए मिल जाता है। उसके बाद इसमें मिल जाता है आपको ऑक्सीटाकेन, ये ब्रिटिश फार्माकोपिया के तहत है, जो कि 10 mg है। बाकी इसमें जो है जो आपके सिरप में फ्लेवर हैं वो डाले जाते हैं, जैसे मिंट यहाँ पे इसमें डाला हुआ है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, ये जो ड्राइड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ये दवाई का नाम लिखा होता है यहाँ पे, देखिए आप RX लिखा है। तो ये जो ड्राइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है ये क्या करता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, ऑक्सीटाकेन क्या करता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमको एसिडिटी वगैरह हो जाती है, तो हमारे जो स्टमक है उसमें एक लेयर होती है, जो कि जो जब एसिड निकलता है हमारे उसमें, उसको बर्न करने के लिए बेसिकली हम जो खाते हैं और उसको पचाने के लिए, तो वो जो है कई बार क्या करता है, ज़्यादा एक्सेस एसिड बनता है, और एसिड बनने से जो उसकी लेयर है हमारे स्टमक की उसको ख़राब कर देता है, जिसकी वजह से हमको जलन महसूस होती है। तो ये एंटा एसिड जो जेल होते हैं जितने भी तरीके के, ये वहाँ पर एक कोटिंग कर देते हैं उसके ऊपर, जैसे हम लोग दीवारों पे पेंट कर देते हैं ना, इस तरीके से प्लास्टर करके एक कोटिंग कर देता है, जिससे कि जो एसिड है उसका असर हमारे जो स्टमक पे कम होता है। ठीक है, तो ये सबसे पहला तो काम ये है इसका, इस वाले उसका। अभी मैं आपको साल्ट की भी बताऊँगा कि एक एक साल्ट क्या क्या करता है, ये मैंने आपको बेसिक एक नॉलेज दी है। तो यहाँ पे जो ये ड्राइड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये बेसिकली उस लेयर को बनाने का काम करते हैं, जिससे कि हमारे को जो एसिडिटी जो लग रही है वो नहीं लगती है। उसके बाद आ जाता है ऑक्सीटाकेन, ये क्या करता है, वहाँ पर जो जलन जो हो रही है उसको कम महसूस हम लोग कर पाते हैं, इसकी वजह से ये बेसिकली एक एनेस्थेटिक कह सकते हो इस कैटेगरी का ड्रग है, जो कि मतलब एक लोकली अप्लाई किया जाता है और हम लोगों को जो है वहाँ पर जलन महसूस नहीं होती है। तो ये वहाँ पे सूदिंग का काम करता है, यानी कि ठंडक देता है वहाँ पर। कुछ इसमें मिंट डाला गया है, वो अपने आप में ठंडा होता है, और आयुर्वेद में भी पुदीना को जो है काफ़ी लाभदायक बताया गया है पेट के लिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी वो। ये बेसिकली आपको जो है खाने के जो थोड़ी देर पहले लेना चाहिए, या तो 15 मिनट पहले लेना चाहिए, या फिर बाद में लेना चाहिए जब आप खा लेते हैं उसके बाद में। ठीक है, और इसको विदाउट वाटर आपको लेना चाहिए, पानी में मिला के नहीं लेना है। 1 से 2 चम्मच आपको ये लेनी होती है, 4 टाइम ले सकते हैं आप इसको दिन में, या जो आपके डॉक्टर ने आपको प्रेस्क्राइब की हुई है उसके हिसाब से ले सकते हैं। ये क्या करता है मैं आपको बता देता हूँ, एसिडिटी होती है आपको, हार्ट बर्न होता है, ठीक है, या आपको जो है गैस्ट्राइटिस हो गया है, ठीक है, तो उसमें ये जो है आपको मदद करता है। इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करूँ तो कई बार क्या हो जाता है, आदमी इसको ज़्यादा भी ले लेता है तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, आपको थोड़ी नींद सी महसूस हो सकती है, ड्रोजीनेस महसूस हो सकती है आपको। ठीक है, अब कुछ एडवाइस की बात हम इसमें कर लेते हैं। तो इसमें क्या है, आपको अल्कोहल नहीं लेना है, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको बता देता हूँ, और आपने जो है प्रेग्नेंट हैं तो आपने अपने हिसाब से नहीं लेना है, ये डॉक्टर लिखेंगे तो ही लेना है, अदरवाइज़ नहीं लेना है।
ठीक है, क्योंकि उसमें ऐसा होता है कि गैस ज़्यादा बनती है प्रेगनेंसी में, तो जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं आपने वही लेना है, ऐसे नहीं लेना है इसको। ठीक है, आप अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर हैं तो आपने जो है डॉक्टर से पूछ के ही लेना है। चिल्ड्रन बच्चों को नहीं देनी होती है ये, क्योंकि इसके अंदर जो है एनेस्थेटिक जेल जो है डला हुआ है। दूसरा, ड्राइव करते वक्त अपना लें, क्योंकि इससे जो है ड्रोजनेस आएगी तो आप जो है नहीं कर पाएंगे। कोई ऐसी मशीन चला रहे हैं तो वो भी ना करें। देखिए, अब इनसे जो है नेचुरली कैसे बचा जा सकता है, तो ग्रीन एडवाइस ये है कि आप हल्का खाना खाइए। हल्का खाने का मतलब ये नहीं होता कि आप कम खाना खाओ, कम तो खाना ही नहीं है आपने, लेकिन वो चीज़ें जो देर में पचती हैं वो आपने नहीं खानी है, कम खानी होती है, कम मात्रा में। योगा कीजिए आप, ठीक है, खाते ही जो है आपने सोना नहीं होता है, क्योंकि उससे जो है ये जो है एसिड ज़्यादा निकलता है, क्योंकि हमारा शरीर जो है उस टाइम रेस्ट मोड में चला जाता है, तो हमारे शरीर को ज़्यादा काम करना पड़ता है। और फैट फूड ना खाएं आप, जो कि फैटी एसिड फैटी फैट वाले ज़्यादा होते हैं, जैसे कि आजकल जो हम जंक फूड खाते हैं उनमें फैट जो है ज़्यादा होता है, और वो है फैट जो है अच्छा नहीं होता, उसको जलाने के लिए यानी उसको पचाने के लिए हमारे शरीर को ज़्यादा काम करना पड़ता है। ज़्यादा देर बैठे ना रहें, थोड़ी थोड़ी देर में, जैसे अगर आपका बैठने का काम भी है तो थोड़ी थोड़ी देर में उठ के थोड़ा टहल लीजिए। बनाना खा सकते हैं तो अच्छी बात है, वो भी एक तरीके का सुदिंग का काम करता है, जैसे कि ट्राई एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड है तो वो भी जो है उसको एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। ये बेसिकली एक न्यूट्रलाइजर होते हैं दोनों, जो ड्राइड एल्युमिनियम मैंने आपको बताया और मैग्नीशियम, ये एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने में काम करते हैं। कोकोनट का पानी जो है आप पी सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा होता है। तो दोस्तों, ये इसके जो है मेडिकेन जेल के बारे में थी, और ऐसे ही सभी जेल की अपनी अपनी एक खासियत होती है। अगर आप इसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें लिख सकते हैं, हम उसके बारे में ज़रूर बताने की कोशिश करेंगे। और आज ही हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।